खबर राजधानी के सरना डूंगर से है, जहां प्रतिबंध के बाद भी प्लास्टिक के कैरी बैग बना रही एक फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि छापेमारी के बाद भी गई इस कार्रवाई में कई क्विंटल पॉलिथिन और 18,000 किलो कच्चा माल बरामद किया गया है। वहीं फैक्ट्री में 9 मशीनों को भी सीज कर दिया है। कालवाड़ नायब तहसीलदार सुनीता सांखला ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार सरना डूंगर में कार्रवाई की गई है और जहाँ बड़ी मात्रा में कैरी बैग सहित कच्चा माल बरामद किया गया है। करधनी पुलिस और छापेमारी करने पहुंची टीम के सामने फैक्ट्री के मजदूर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और इसके बाद अधिकारियों ने फैक्ट्री को सीज कर दिया। सांकला ने साथ ही बताया कि फैक्ट्री का मालिक रूपेश अग्रवाल है, जो कि मौके से फरार हो गया। जांच में सामने ये भी आया है कि फैक्ट्री में नाबालिग बच्चे भी काम करते हैं और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।